वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे एक्सपर्ट्स का चेंज, एक तरह से मेकओवर हो रहा है। अभी हम इनके कपड़े भी चेंज करवाएंगे, इनको थोड़ा सा चेंज लुक देंगे। अभी फराह का मेकअप बीनिश कर रही है, बेस इन्होंने लगा ली है। अब जो है बीनिश आ रही है आई मेकअप की तरफ, और एक आंख का थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है बीनिश ने, दूसरी आंख का करेगी तो हमें समझाएगी। अभी लैश लगा रही हो? हाँ, अभी मैं लैश लगा रही हूँ। टाइम में दोनों आंखों का काम करें। हाँ, शहजादी से बेस करवा लें। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम दूसरी आंख का मेकअप, मुझे एक आंख को खत्म करके फिर आगे बढ़ना है, ऐसे कर। तो तुम अभी लैश छोड़ दो, दूसरी आंख का आई मेकअप हमें समझाओ, और फिर दोनों आंखें की लैशेस एक साथ लगा लें। अच्छा, ओके। मैं ये इस पैलेट से डस्टी रोज, इट्स नॉट अ पिंक कलर बट इट्स नॉट अ ब्राउन कलर, ठीक है? अच्छा, तो पिंकिश और ब्राउनिश का कोई बीच की कोई चीज है? अर्दी पिंक कलर है, ठीक है। ये लेके मैं डेप्थ दे रही हूँ उनके, ठीक है। ये मैंने आंखों की डेप्थ दे दी, हाँ, ठीक है। और अच्छा फरा, जब आप खुद मेकअप करती हो तो आप क्या चीज ऐसी है जो आप लाजमी अपने मेकअप में लगाती हो? लाजमी? मैं तो नॉर्मल सा कंसील किया आपने। नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे मैं जो हूँ काजल नहीं लगाती। मैं लाइनर जो है लगाती जरूर हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती आंखों। अच्छा, मैं मस्कारा बहुत लाजमी लगा, लाइनर चाहे लगाऊं चाहे ना लगाऊं, लेकिन मेरा मस्कारा बहुत ही लाजमी होता है। मैं यही आपसे पूछ रही हूं। अच्छा, फिर मैंने ये दस अनदर शेड शिमरी सा रोज पिंक कलर है, उसको एक फ्लैट ब्रश में लिया, ठीक है, और उसको सिर्फ लिड पे लगाया। ओके, आपने सबसे पहले जो है पहले आंख की जो हड्डी है क्रीज बनाई है, वहां क्रीज कहेंगे ना उसे, क्रीज। और उसके बाद आपने इनर आई में एक शिमरी शेड है, तो आपकी इतनी अच्छी पिगमेंट कैसे आ रही है इसकी? हल्का सा ब्रश को डिप किया पानी में, पानी में डाम किया है थोड़ा सा, बहुत कम। हाँ, वो काफी अच्छे से लग रहा है। या आपने कोई आंखों के ऊपर कोई और चीज? कोई नहीं नहीं, कुछ भी। अच्छा, जब आपने बेस लगाई थी वो आंखों के ऊपर भी लगाई थी? नहीं, मैंने आई प्राइमर अलग से यूज किया। अच्छा, आई प्राइमर यूज की, तभी वो बहुत अच्छे से चिपक रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब ठीक है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुमने ये शेड दिया अभी, एकदम मजे का लग रहा है, आंख खुली खुली लगने लगी। अच्छा, प्लस लाइनर ब्रश लेके मैं ये आई शेडोज हैं डार्क ब्राउन और ब्लैक, अच्छा, उसको स्मच करके उठा रही हूँ दोनों को साथ में, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस आंख पे मैंने बहुत ही स्मच सा लाइनर दिया है। मींस यू जस्ट डोंट वांट टू पुट अ प्रोमिनेंट लाइन वाला लाइनर, वैसे भी सॉफ्ट लुक देता है ना। हाँ, हाँ। अगर आप ओके, और इसे तुम लाइनर वाला इफेक्ट दे रही हो, और वो खुद ही स्मज ही आएगा क्योंकि वो है आई शेडो, वो लाइनर नहीं है, तो वो खुद ही स्मजी स्मजी लगेगा। नहीं, इसको हल्का सा स्मज करना भी पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बड़ी सॉफ्ट लुक आएगी, क्योंकि फरा जो लाइनर लगाती है वो शार्प लाइनर होता है, तो इसलिए फरा की लुक चेंज आएगी। कभी कभार शार्प लाइनर लगाने का दिल चाहता है, अच्छा लगता है बंदा, और कभी कभार मैं ज्यादातर लाइनर नहीं लगाती, लेकिन जब लगाती हूँ तो बड़ा शार्प शार्प लगाती हूँ। अब आपने एक सॉफ्ट ब्रश लिया, कोई भी फ्लफी ब्रश ले लें आप, ये फ्लफी ब्रश स्मजिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये ब्रश किस कंपनी का है वैसे? ये मॉर्फी का है। अच्छा, इसके अच्छे होते हैं ब्रशेस? मॉर्फी के ब्रशेस अच्छे होते हैं, ठीक है। पूछ के जाना चाहिए तुमसे, मैं मार्क जैकब्स के ब्रशेस लेकर आई हूँ, वो भी बड़े अच्छे हैं। निधा, मॉर्फी का तो ये कि यूएसए के अंदर पूरा इनका जैसे स्टोर है। हाँ, और जो वैरायटी, इवन बहुत ही रीजनेबल इनके आई शेडोज, अच्छा बेहतरीन, बड़े अच्छे होते हैं ब्रशेस, एक्सेलेंट मॉर्फी के ब्रशेस, बेस्ट, एक्सेलेंट। अच्छा, दे आर वेरी इकोनॉमिकल, इवन आई शेडोज इनके पैलेट्स तो बहुत पहले यहाँ पे आ गए थे, और वहाँ पे तो पूरा उनका एक वो है। अब आप भी देखिए, बड़ा मजे से स्मज कर रही है, साथ साथ लगाई भी जा रही है जितनी जरूरत है, और स्मज भी करती जा रही है जितना उसको स्मज करना है। कॉर्नर पे आई एम जस्ट पिकिंग अप सेम शेड को, हल्का सा एज भी दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है, लिफ्ट करके ना यहाँ से आई को। मुझे इंतजार है कि फरा की आईब्रो पे क्या करती हो तुम, मुझे आईब्रो चेक करनी है, क्योंकि आईब्रो से बड़ा फर्क आता है आपकी शक्ल, ठीक है। अच्छा, अब फरा का जो आई का जो शेप है वो बेसिकली अगर आप देखें तो ये बोन जो है वो इनकी काफी प्रोमिनेंट है, सही है। सो आई हैव टू बड़ी-बड़ी आंखों वाली, सो आई हैव टू यूज कोई एक शेड थोड़ा सा वार्म, तो मैं इसी अपने जो जिससे मैंने क्रीज बनाई, दिखाओ कैमरे में, जिससे मैंने क्रीज बनाई थी, ये वाला शेड, इसके अंदर हल्का सा
ये जो वार्म टोन है ना, बट अभी जब मैं जैसे दूंगी तो डेप्थ आना शुरू हो जाएगी, आंख और खुली खुली लगेगी। हाँ, ये मैं मिड से शुरू कर रही हूँ और ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। फुल ट्यूटोरियल चल रहा है भाई। ओके, ये वही शेड है। हाँ, ये वही शेड है। बाहर की तरफ हड्डी पे लगा के बाहर की तरफ निकाल रहे। अब आप देखें कि इस आंख में ये यूनिवर्सल तरीका है और इस आंख में बहुत फर्क आपको फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्लियर नजर आ रहा है ना आर्च, और वो आपकी आंख में एक डेप्थ आ रही है, इस बोन अट्रैक्शन आ जाती है। हालांकि सॉफ्ट मेकअप है लेकिन वो अट्रैक्टिव दिखा रही है उस आंख को। ठीक है, अच्छा, फिर आई एम गोना पिक अप अगेन जो मैंने जिससे लाइनर के एजेस किए थे। अब मैं इस डार्क ब्राउन को, मैट डार्क ब्राउन को उठाऊंगी, हल्का सा ब्लैक लिया, बंद करो, और अब हल्का सा कॉर्नर दूंगी, वेरी स्लाइट। अच्छा देखो, फरा के तो आर्च है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता, तो क्या वो आर्टिफिशियल आर्च बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना आई गैप है, कितना जगह है, मैदान कितना है। मैदान नहीं भी होता तो समटाइम्स हम आईब्रो के शेप को डिफरेंट करके मैदान बना लेते हैं। लाइक जिन लोगों के यहाँ पे कम है, आप उनके आईब्रो को नीचे से शेव आउट करें और आप ऊपर से आईब्रो ड्रॉ करें, तो आपको नीचे गैप मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है ये तो, वाओ, जबरदस्त। मेरी आई का तो वर्ल्ड कप का मैदान है। नहीं अच्छा, मजेदार आंखें हैं, कम से कम मेकअप तो करें इसके अंदर, डेप्थ है ना आपकी। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता था यहाँ छोटा मैदान है, डोंट वरी। अब आप ये आपको फिर भी देखिएगा क्या बनाएगी, पता था इसलिए वाइट पेंसिल, अंबर को कम दौड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, इनको दौड़ाऊंगी। अच्छा आईब्रो लैशेज लगा रही हो? लैशेस और वाइट पेंसिल दो चीजें रहती हैं। एक मिनट, हाँ।